पिछले कल देर शाम को तालिबान ने पंजशीर के ऊपर फिर से हमला किया था, जिसमें तालिबान की कई सारी हमवीज और हैवी वेपन्स रेजिस्टेंस फोर्स के हाथ लग गए हैं। एग्जैक्टली वहां पर क्या हुआ और इनके फिगर्स क्या हैं, वो डिस्कस करने से पहले अफगानिस्तान से कई सारी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। वन बाय वन पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। पहली अपडेट अफगानिस्तान से अमेरिका को लेकर निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना इवैक्यूएशन प्रोसेस खत्म करके काबुल एयरपोर्ट से अपनी सेना वापस बुला दी है। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब एक भी यूएस या फिर नाटो का सोल्जर नहीं है और एयरपोर्ट कम्प्लीटली तालिबान के हाथ लग गया है। अमेरिका के लिए शर्म की बात इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका ने 31 अगस्त की डेडलाइन से ठीक एक दिन पहले ही काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने सारे ट्रूप्स को इवैक्यूएट कर लिया है। दूसरी अपडेट अफगानिस्तान से पंजशीर के कई सारे टैंक से रिलेटेड आ रही हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर पंजशीर की कई सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनमें रेजिस्टेंस फोर्स ने सोवियत टाइम के फुली ऑपरेशनल T-54 टैंक्स को बाहर सड़कों पर निकाल दिया है। इन सभी टैंक्स का इस्तेमाल तालिबान के खिलाफ किया जाएगा, यानी पंजशीर के रेजिस्टेंस फोर्स के पास तोपों के साथ साथ अब टैंक्स भी हैं। अफगानिस्तान से रिलेटेड तीसरी अपडेट ब्रिटेन से आ रही है, जिसके मुताबिक कुछ ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोरिस जॉनसन सरकार के सामने मांग रखी है कि ब्रिटेन ने जो भी अफगानिस्तान स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स अफगानिस्तान से इवैक्यूएट किए हैं, ब्रिटिश सेना में एक सेपरेट रेजिमेंट खड़ी करके उनको रिक्रूट किया जाए। वैसे भारत में भी आज की डेट में करीब 130 अफगानिस्तान सेना के ऑफिसर्स IIM में ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या उनको भी इसी तरह इंडियन आर्मी में रिक्रूट किया जाना चाहिए, हाँ या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। चौथी अपडेट अफगानिस्तान से एक ऑन एयर न्यूज शो की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें न्यूज एंकर के चारों तरफ हथियारों से लैस तालिबानी आतंकी खड़े हैं। यानी तालिबान अफगानिस्तान में प्रेस फ्रीडम बंदूक के जोर पर सुनिश्चित कर रहा है। ये विजुअल तो खैर ऑन एयर प्रोग्राम के हैं, आप सोचिए कि ऑफ एयर क्या क्या होता होगा। पांचवी अपडेट अफगानिस्तान से रिलेटेड एक फीमेल जर्नलिस्ट को लेकर आ रही है, जिसने 14 अगस्त को तालिबान द्वारा टेक ओवर के बाद टॉप तालिबानी लीडर का इंटरव्यू किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फीमेल न्यूज एंकर अब अफगानिस्तान छोड़कर विदेश भाग गई है। छठी अपडेट अफगानिस्तान से तालिबान के नए रूल को लेकर आ रही है। पिछले हफ्ते तालिबान ने तय किया था कि अफगानिस्तान के स्कूल और कॉलेजेस में लड़के और लड़कियां एक क्लासरूम में नहीं पढ़ेंगे, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये इस्लाम में हराम है। जिसके बाद तालिबान अब एक नया रूल लेकर आया है कि गर्ल्स स्टूडेंट्स को फीमेल टीचर ही पढ़ा सकती हैं, लड़कियों के लिए कोई भी मेल यानी मर्द टीचर नहीं होगा। अफगानिस्तान के कई सारे स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज दबी आवाज में तालिबान के इस रूल की खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि फाइनली मैक्सिमम स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज फीमेल टीचर्स की कमी के कारण गर्ल्स की क्लासेस बंद कर देंगी। सातवीं अपडेट पंजशीर के पिछले वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्ला साले को लेकर आ रही है। दरअसल तालिबान ने पंजशीर में इंटरनेट कॉल और मैसेजिंग सर्विसेज बंद कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद अमरुल्ला साले ने पिछले 24 घंटों में दो ट्वीट किए हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स की यह लड़ाई बस पंजशीर के लिए नहीं है, बल्कि पूरे अफगानिस्तान की लड़ाई लड़ी जा रही है और वो इन कट्टरपंथी और आतंकी ताकतों के आगे नहीं झुकेंगे। लास्ट और मेन अपडेट बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेन अपडेट की बात करें तो अफगानिस्तान के बड़े मीडिया हाउसेज में से एक टोलो न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि तालिबान ने पीस डील की बात बोलकर पंजशीर में इंटरनेट कॉल और मैसेजेस सर्विसेज बंद करके पंजशीर के ऊपर कई तरफ से हमला कर दिया है, जिसमें उसने टैंक से लेकर कई तरह के हैवी वेपन्स का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेजिस्टेंस फोर्स ने इस हमले का कड़ा जवाब दिया, जिसमें 105 तालिबानी मारे गए जबकि 140 से ज्यादा घायल हुए हैं। पंजशीर पर हमला करने आए तालिबानियों से रेजिस्टेंस फोर्स ने बाकी कई तरह के हथियारों के साथ साथ 34 हमवीस यानी आर्मेड व्हीकल्स भी कब्जा लिए हैं, अब वो रेजिस्टेंस फोर्स ने कैप्चर कर लिए हैं। वैसे यूएसए समेत सभी नाटो देशों ने अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स अब निकाल दिए हैं, जिसके बाद ये देखने वाला होगा कि नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स की मदद करने के लिए कैन में से कोई भी देश सामने आता है या ये सभी देश तालिबान को मान्यता देकर पंजशीर को अकेला छोड़ देंगे।